पूरा आगरा तक जाएंगे, वहां से दिल्ली भी जाएंगे। मैं पहुंच गया दिल्ली, तो मेरा चाय आ गया। यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं आपका दोस्त शुभ्रजीत, होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज का जो जर्नी है मैं स्टार्ट कर रहा हूं लखनऊ से, मेरा डेस्टिनेशन है आगरा। आज का जर्नी का डिस्टेंस कवर मैं करूंगा 345 किलोमीटर्स। आज डेट है 28 और अभी टाइम हो रहा है 10, सुबह के 10 बज रहे हैं। तो आपको मैं आज का एक रूम टूर दे देता हूँ। ये है आज का होटल जो हाईवे के पास में ही है। ये रूम मेरे को 1500 रुपये का पड़ा, अच्छा था। 1500 रुपये बहुत सस्ता था फैसिलिटी के हिसाब से। ये बेड मैं पूरा एकदम बिखेर के रखा हूँ। अभी सुबह सुबह मैं रेडी हो गया, इसलिए सामान वगैरह इधर ही रखा हुआ है। ये कल रात को मैं खाया था। ये मिरर, ये रूम बहुत ही बड़ा है, अच्छा लगा यहाँ पे स्टे करके। और ये वॉशरूम, अच्छा एक्सपीरियंस था लखनऊ में। तो चलिए हम निकलते हैं और मैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में जाके आप लोगों से बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं निकल गया होटल से। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज का मेरा डेस्टिनेशन है आगरा, तो मैं आगरा जाके स्टे करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मोटो ब्लॉगिंग वाले सेटअप पे आप लोगों को अगर वेलकम ना करूँ तो मेरा दिल भरता नहीं है। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ आपका दोस्त शुभ्रजीत, होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आप ये जो रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता आगरा की ओर जाता है मुझे लग रहा है, बट पता नहीं, शायद मैं गलत रास्ते पे ना आ गया हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं गलत रास्ते पे आ गया। एक बार पूछने से पता चल जाएगा। भैया ये रास्ता आगरा जाएगा? अच्छा इधर से घूम के जा सकते हैं ना? इधर को भी जा सकते हैं, आप सीधे जाइए। हाँ तो सीधे जाके रोड मिल जाएगी आपको, सुल्तानपुर वाली रोड, फिर सीधे चले जाओ आगे, किसी से पूछ लो, अगर हाईवे जाना है। थैंक यू। तो मैं गलत रास्ते पे आ गया, आगरा वाला हाईवे उस साइड पे है। तो ये भैया मेरे को बोले कि जाओ आगे सुल्तानपुर वाला रास्ता मिल जाएगा, वहाँ से फिर आगरा वाला हाईवे पकड़ लेना। अच्छा एक्सप्रेस स्टेशन है क्या? खुले में जाओगे जाम में जाओगे? खुले में जाना है, खुले में जाना है। परले रोड से निकल जाओ। हाँ ऐसे रोड आ जाएगा, वहाँ से राइट साइड टर्न कर लेना। अच्छा फिर चलना पड़ेगा आपको 4 किलोमीटर, मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। अच्छा वहाँ से राइट टर्न कर देना, 1 2 3 तीसरा मेट्रो स्टेशन आ जाए, लेफ्ट टर्न कर देना, 10 बजे पहुंच जाओगे। अच्छा तो यहाँ से इधर से जाके घूम सकते हैं? निकल जाओ आपको वहाँ से जाना पड़ेगा, आपको ये तो आपका रॉन्ग साइड हो जाएगा। अगर राइट साइड जाना है परले फ्लाई ओवर से जाना पड़ेगा आपको। अच्छा मतलब पीछे, बाकी निकल जाए इधर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है यहाँ से निकल जाता हूँ, यहाँ से फिर घूमना पड़ेगा। हाँ ये रोड ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, ऐसा ही रोड आ जाएगा हाईवे। अच्छा और वहाँ से आप राइट साइड टर्न कर देना, फिर आ जाए शहीद पथ। ठीक जैसे शहीद पथ पहुँच सकोगे 15-20 मिनट चलना पड़ेगा, मेट्रो स्टेशन आ जाएगी। हाँ मेट्रो स्टेशन नीचे पहुँचोगे आप, वहाँ से राइट टर्न कर देना आप। अच्छा तीसरे मेट्रो स्टेशन से लेफ्ट टर्न कर देना आप, 20 मिनट पहुँच जाओगे। ठीक है और इधर से जाने से? जाओ इधर से जाओ, कोई जाम मिलेगा? हाँ सब्जी वब्जी मिलेगी आपको, कुछ खाना पीना उधर इधर नहीं, निकल जाओ इधर से ही निकल जाते हैं। ओके भैया थैंक यू। हाँ शहीद पथ ठीक है, थैंक यू। मैं सोच रहा था कि ये हाईवे आगरा हाईवे है, बट ये हाईवे आगरा हाईवे नहीं है, मुझे लखनऊ सिटी के मिडिल से ही जाना पड़ेगा।
घाघरा हाईवे उस साइड पे पड़ता है, नॉर्थ साइड पे पड़ता है। अभी मैं जिस जगह से क्रॉस कर रहा हूँ, ये जगह है अवध शहर। आप लोग देख लो कितना सुंदर है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक राजा महाराजाओं वाला फील आ रहा है। मेरे बाएं तरफ जो है ये अवध का उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, लखनऊ का हाई कोर्ट एक्चुअली अवध में है। तो ये हाई कोर्ट देखने में कोई राजा महाराजाओं का महल लग रहा है देखने में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सिग्नल पे आपको वॉइस ओवर दे के अलर्ट किया जाता है, ये बहुत ही सुंदर सिस्टम है। अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे इस सिटी पे राइड करके। और बिल्डिंग वगैरह तो क्या बोले भाई, एकदम हाई फाई वाला बिल्डिंग। आप लोग ये रोड देखो कितना बड़ा रोड है, और मुझे तो लग रहा है ये 8 लेन रोड है, 8 लेन से भी ज़्यादा होगा, 12 लेन रोड होगा। एक साइड में 6 गाड़ियाँ और एक साइड में 6 गाड़ियाँ एक साथ क्रॉस कर सकते हैं। इसी को कहते हैं भैया डेवलप्ड सिटी। जो हम लोग तरस जाते हैं सिलचर को ऐसे बनाने के लिए, पता नहीं सिलचर कब बनेगा, शायद तब हम जिंदा भी ना रहें। बनेगा ज़रूर एक ना एक दिन, पर तब तक शायद मैं जिंदा ना रहूं, मेरे नसीब में शायद ऐसा देखना पॉसिबल नहीं है। जा रहे हैं, हाँ हम आसाम से आ रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं। हाँ अभी और 3 दिन लगेगा। हाँ अकेला अकेला। हाँ आज हम दिल्ली तक राइड करेगा। हाँ दिल्ली पे पहुँच के हम स्टे करेंगे। हाँ आगरा एक्सप्रेस में होके निकल जाएंगे। प्लान कर लीजिए, यहाँ से तो सामने ही है, हम लोगों का तो दूर है। मैं तो ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर अभी रन कर चुका हूँ। हम तो आसाम से आया है सिलचर। हाँ तो लोग देख के पूछते रहते हैं कहाँ से आया, और जब सुनते हैं कि 2500 किलोमीटर में राइड कर चुका हूँ, सब स्ट्रेंज हो जाते हैं। भाई भगवान ने इतनी ताकत दी है तो क्या करें भाई, सब बोलते हैं इतना ताकत है आपके शरीर पे, आप 2500 किलोमीटर अब तक राइड कर चुके और ऊपर से और भी जा रहे हैं। तो हम बोला भगवान ने दिए है तो क्या करें, हम ऐसे ही एडवेंचरस हैं, ऐसे ही अच्छा लगता है हमको नए नए जगह को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से मिलना, यही हमारा लाइफ है, यही हमारा डेस्टिनी है, यही हमारा काम है, यही हमारा रोजी रोटी है। बौद्ध विहार, ये बुद्ध मंदिर है, बौद्ध विहार शांति उपवन। टाइम नहीं है, नहीं तो लखनऊ को भी थोड़ा मैं एक्सप्लोर कर लेता, बट मुझे तो पहले अपना जिस काम से मैं निकला हूँ ये काम तो करना ही है। अपने पुलिस भाइयों को ट्रिब्यूट तो पहले मैं दे दूँ, इसके बाद जो जितना घूमना होगा मैं घूम लूँगा। सामने का गेट देखिए कितना बड़ा गेट, मान्यवर श्री काशीराम जी ग्रीन इको गार्डन। मैं लखनऊ से निकल के अभी लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के पास में खड़ा हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा चाय पीऊँगा क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ। चाय पी के मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। यहाँ से दिखा रहा है कि आगरा का डिस्टेंस है 321 किलोमीटर। देखते हैं कितना टाइम में मैं कवर करूँ।
कर पाता हूँ। We'll be right back.